संरक्षण गृह में 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इस खबर के बाद आपको बता दें कि खबर के बाद में लड़कियों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। 57 लड़कियों में से 7 लड़कियां गर्भवती भी पाई गई है और 1 HIV पॉजिटिव पाई गई है। जिलाधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी ने इसकी पुष्टि की है। यूपी के कानपुर जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित बालिका संरक्षण गृह में 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इस खबर के बाद से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सभी लड़कियों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 57 लड़कियों में से 7 लड़कियां गर्भवती पाई गई है और 1 HIV पॉजिटिव पाई गई है। अधिकारी जिलाधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी ने इसकी पुष्टि की है। CWC कानपुर नगर द्वारा संदर्भित है, इन सभी का कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जा रहा है, जिनमें से 2 मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में और 3 रामा के आईसीयू में भर्ती हैं और इन सभी को कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार पूरी इलाज करते हुए बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे कानपुर से संवाददाता समीर गोयल हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। समीर, कानपुर जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित बालिका संरक्षण गृह में 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वहीं बड़ी बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि इन 57 लड़कियों में से जो 7 लड़कियां हैं वो गर्भवती है और 1 HIV पॉजिटिव भी पाई गई है। जिलाधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी ने इसकी पुष्टि की है और इस मामले के उजागर होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जी वही, ये कानपुर महानगर के अंदर सबसे बड़ी घटना है, जो कि एक सरकारी बाल सुधार गृह जहाँ पे महिलाओं के लिए विकास और उनका संरक्षण किया जाता है, वहां से अगर इतनी बड़ी चौंकाने वाली खबर, जहाँ पे 57 कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, वहीं पे 7 महिलाएं जो कि HIV पीड़ित हैं और मतलब उसमें 1 HIV पीड़ित है सॉरी, और 7 महिलाएं मतलब गर्भवती हैं। वहीं से जब से ये खबर सामने आई है तब से ये एक काफी चौंका देने वाली है और ये सरकारी बाल गृह में इस प्रकार की घटना होना, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा, किस प्रकार से ये महिलाएं, जैसे अभी ज्यादा जानकारी में हमें मालूम चला है कि ये लोग कानपुर, फिरोजाबाद, सुकोहाबाद, आगरा, यहाँ से वो लड़की आई हैं और अधिक पूछताछ करने पे हम लोग को ये भी जानकारी मिली कि जब इन्होंने प्रवेश लिया था तो वहां पे ये पहले से कोरोना मतलब प्रेग्नेंट बताई जा रही हैं। जी पवन जी। समीर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बड़ा सवाल उठता है कि राजकीय जो ये शरणालय है और यहाँ पर इस तरीके की घटना देखने को मिली है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो कार्रवाई है उस पर सवाल निशान जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि राजकीय महिला शरणालय में इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलेगी तो कौन इनमें शरण लेगा। जी हाँ पवन जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर इस प्रकार से सरकारी जो गृह है उसमें अगर महिलाओं के साथ इस प्रकार की मतलब घटनाएं सामने आएंगी तो वहाँ पे संरक्षण लेकर भी लेने के लिए भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। वहीं पे जो आज की घटना जो मतलब हुई है, जिस प्रकार से ये सारी रिपोर्ट सामने आई है, ये वाकई प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना है और इसमें प्रशासन जब से मंडलायुक्त के आदेश पे जिलाधिकारी जी ने इस पे सख्त कार्रवाई ली है और इस पे आगे किन किन का हाथ है और किन किन राजनीतिक नेताओं के हाथ है, ये एक बड़ा सवाल सामने खड़ा हो रहा है सर। धन्यवाद समीर तमाम जानकारी के लिए। कानपुर से हमारे संवाददाता समीर गोयल जुड़े, इन्होंने बताया कि जो यूपी के कानपुर जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित बालिका संरक्षण गृह है वहां 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, उनमें से 7 लड़कियां गर्भवती है तो वहीं 1 HIV पॉजिटिव भी पाई गई है।